ओम काली जय महादेव। आज का जो प्रश्न है वो ग्रेटर नोएडा से अजय वधावन जी पूछ रहे हैं, हमारा परिवार कैसे सुखी रहे, ऐसा हम क्या करें। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम थोड़ी देर मनन करें इस बात पे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते थे। अगर देखा जाए उनके पास पैसे की भी कमी रहती थी और जितने आज हमारे को कंफर्ट्स हैं, सुविधाएं हैं, वो भी नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा खुश रहते थे। उनको तनाव नहीं होता था, उनके अंदर शांति होती थी और वो ज़्यादा चालाक भी नहीं होते थे, मिलजुल के रहते थे। और जितनी आजकल की भयंकर बीमारियां हैं वो तो उनको थी नहीं, ना डिप्रेशन, ना कैंसर, इस तरह की जो तरह तरह की बीमारियां आज लोगों में हैं वो सब भी नहीं थी उनके अंदर। तो ऐसा वो क्या करते थे जो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस पे हम मनन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो एक काम जरूर करते थे, वो प्रकृति से जुड़कर रहते थे। वो प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे, जो हमारा सनातन धर्म का मूल है। तो ईश्वर की आराधना करना, अर्चना करना, ईश्वर का धन्यवाद करना, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन आज क्या हो गया है, हम सब कुछ इसका उल्टा कर रहे हैं। ईश्वर का ध्यान करने में, ईश्वर की पूजा करने में हमें लगता है ये बड़ा ओल्ड फैशन है, ये हमें नहीं करना है। हम ईश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा उनसे शिकायतें करते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमारे साथ ये बुरा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रकृति है उसका नुकसान करने में अपने स्वार्थ के लिए हम पीछे ही नहीं हटते हैं। तो जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हमारे अंदर जो शांति है वो कैसे रहेगी। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी विचारधारा को बदलें और थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़कर रहें तो हम अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। साथ में बैठ के बच्चों के हम लोग ईश्वर अर्चना करें, ध्यान करें, तो एक बहुत अच्छे संस्कार भी हमारे बच्चों में आ जाएंगे। ये देखिए ना, ये जो हमारे हिंदू धर्म से सिख धर्म निकला है, इसमें जो बच्चे हैं उनको गुरुद्वारे में जाके, गुरुद्वारे में सेवा करना, भंडारा खिलाना, लंगर खिलाना कितना अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में ये जो संस्कार हैं कहीं छूट गए हैं। तो इसीलिए जब हम लोग अच्छे से ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारा जो अहम है, जो अहंकार है, जो हमारा ईगो है, वो डाउन हो जाता है। और ये सारी जो घर के अंदर लड़ाइयाँ हैं ये ईगो के कारण है। सबको अपना स्पेस चाहिए, सबको अपनी राइट्स चाहिए, लेकिन ड्यूटीज़ कोई करना नहीं चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते उनको लगता है कि हमारे पर एक प्रेशर आ रहा है। किस लिए? ये मिलजुल के तो रहना ही है, ये प्रकृति का असूल है कि हर चीज़ एक दूसरे को एनहांस करती है, एक दूसरे के साथ मिलके चलती है, तभी आनंद है, तभी खुशी है। इसीलिए अगर परिवार में हमने सुखी रहना है तो हम प्रकृति से जुड़ कर रहे हैं। आप सबको मेरा ओम काली।